हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वैकेंसी ऑल ऑयल इंडिया रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आ रखी है। इसमें टोटल 120 पोस्ट आ रखी है जूनियर असिस्टेंट के लिए। फ्रेंड, जैसा कि ये दिखा रहा हूँ मैं, ऑयल इंडिया में जॉब नोटिफिकेशन आ रखा है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, आपका 12th पास मांगा गया है। इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं, 1 जुलाई 2021 से स्टार्टिंग है एप्लीकेशन डेट, 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी के लिए 200 है, SC ST कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फ़ी फ्री है। पे लेवल जो है 26,000 से 90,000 तक का। एज लिमिट आपके 18 से 35 रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन ये मोड होगा एप्लीकेशन का, ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। नोटिफिकेशन दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में दे रखा है पोस्ट जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम ऑपरेटर 10+2, आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिकनाइज बोर्ड से विद 40% मार्क्स होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट में। आप देख सकते हैं मिनिमम 6 मंथ्स ड्यूरिंग शुड बी कंजर्व इन MS Word, MS Excel और MS PowerPoint आपको चलाना आना चाहिए फ्रेंड्स, जैसे कि दिखा रहा हूँ। टोटल वैकेंसी 120 पोस्ट आ रखी है फ्रेंड्स, SC के लिए 8, ST के लिए 14, OBC के लिए 32, EWS 12 और रिजर्व 54 फ्रेंड्स। जो इसमें एज लिमिट होने वाली है, मैं आपको पूरी एज लिमिट के बारे में बता दूंगा कि किसको कितनी रिलैक्सेशन दे गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरल की 18 से 30 वर्ष है, SC ST को 18 से 35 है, OBC को 18 से 33 वर्ष की एज दे रखी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका CBT एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, CBT टेस्ट। उसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज अवेयरनेस क्वेश्चन ऑल इंडिया लिमिटेड से 20% होंगे, रीजनिंग अर्थमेटिक न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी से 20%, डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज से 60%, टोटल 100% का आपका ही होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स आपके टेस्ट में। और यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फ्रेंड्स आपकी। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश में होगा फ्रेंड्स आपका, ये दे रखा है, और 2 घंटे का होगा। आपका जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट में आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड, पास मार्कशीट ऑफ 10th क्लास फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड एज द प्रूफ ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, वो एज द बर्थ सर्टिफिकेट आपका प्रूफ कर लिया जाएगा फ्रेंड्स। आपके 12th क्लास की मार्कशीट तो होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि 12th के बेस पे एप्लीकेशन। डिप्लोमा होना चाहिए 6 मंथ का ड्यूरिंग जो MS Word या MS Excel PowerPoint में, और सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया कोई SC ST का वो भी होना चाहिए फ्रेंड्स। इनकम के आपके पास सोर्स है तो फ्रेंड्स, ये मेन चीज़ें बता दी मैंने आपको फ्रेंड्स। आपको यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे आप अप्लाई भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।